बच्चे ग्लूकोमा यानी कि काला पानी, इस बीमारी को साइलेंट थीक ऑफ साइट भी कहा जाता है। साइलेंट थीक ऑफ साइट मतलब कि यानी इसमें मरीज को पता ही नहीं लगता कि उसकी आंखों की रोशनी कब गायब हो गई। दरअसल इस बीमारी का पता मरीज को तब लगता है कि जब उसकी रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, तभी लोग हमारे पास दिखाने आते हैं। तब तक मामला काफ़ी जो है कि बिगड़ चुका होता है। जनरली इस बीमारी को हम लोग रूटीन चेकअप जब करते हैं तो उसका इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार के लोगों में पहले से ही काले पानी की दवाइयाँ ऐसी कोई बीमारी है, उनको अपना रूटीन चेकअप हमेशा करवाते रहना चाहिए। और जो लोग जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उनको अपना रूटीन चेकअप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास करा लेना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी का शुरुआत में ही पता लगा सकते हैं तो इसका निदान संभव है। अन्यथा इस बीमारी से जो होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर अधिक बढ़ने की वजह से पीछे आँख की नस सूखना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से कि रोशनी को खतरा हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआती तौर पर हम इसका पता लगा लिया जाए तो इसका निदान संभव है। अब लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह की प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा, आपके द्वारा कुछ भी होते हैं? देखिए, हम जगह जगह कैंपेनिंग करते हैं। जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज आते हैं, हम उन सभी को जागरूक करते हैं। हॉस्पिटल आउटडोर में भी हमने जगह जगह पोस्टर्स लगा रखे हैं। इसके अलावा जो दरअसल हमारे पास जो पेशेंट करीब करीब आते हैं, उनका तो हम रूटीन चेकअप सारा कर ही लेते हैं। और जिनके परिवार में ऐसी कोई दिक्कत है तो उनको ये भी कहते हैं कि भाई आप अपने अन्य परिवारजनों को भी चेक कराएं। सर, इसके लक्षण क्या है बीमारी के, कैसे यानी? देखिए, शुरुआती तौर में मरीज कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आँख की रोशनी अंत तक बनी रहती है। इसमें साइड का विजन धीरे धीरे, पेरिफेरल विजन जिसको होते हैं, धीरे धीरे कम होता जाता है। दो तरह के ग्लूकोमा होते हैं इसमें, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। क्लोज एंगल में तो मरीज को दर्द का आभास होता है, तो उसमें तो फिर भी पता लग जाता है। लेकिन ओपन एंगल के अंदर मरीज को अंत तक, जब तक उसकी रोशनी बनी रहती है, तब उसको पता नहीं लग पाता है। रोशनी बहुत कम होने के बाद में वो लोग जो है कि चेकअप के लिए आते हैं। तो उनके एक रूटीन चेकअप हमेशा 40 साल की उम्र के बाद एक रूटीन चेकअप की आदत बना लेनी चाहिए, ताकि आपको इस बीमारी के लक्षणों का शुरू में पता लग जाए। इसमें जो मोबाइल यानी कि स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है लोगों का, अभी एजुकेशन में भी स्क्रीन टाइम बच्चों का भी बढ़ा है, तो उसका भी कोई फर्क नहीं? स्क्रीन टाइम से इस बीमारी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सर कोई डाइट भी, इसके लिए स्पेशली कोई डाइट में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इनका करना होता है एक रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है, उनको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस बीमारी के लिए। अदरवाइज हेल्दी लाइफ स्टाइल और थोड़ा एक्सरसाइज से इस बीमारी से थोड़ा बचा जा सकता है। सर, ऐसा भी सुनने में आया कि त्रिफला के पानी, त्रिफला को पानी में भिगो के उससे आँखें धोने से भी कोई फर्क पड़ता है? उससे ऐसा कोई नुकसान नहीं है धोने से, लेकिन इस बीमारी का तो ये आंखों के प्रेशर से संबंधित है, इसलिए ये रूटीन बीमारी नहीं है। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं पाला कि त्रिफला का पानी डालने से काला पानी ठीक हो जाएगा। एक विशेष चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर, जैसा कि होता है कि आँख में कोई भी दिक्कत है, सीधा दवाई की दुकान पर जाते हैं, दवाई की शीशी और डाल के लेना चालू कर देते हैं। तो जो स्टेरॉइड्स जो दवाइयाँ होती है, इनके बहुत ही घातक प्रभाव है आँख के ऊपर। जो हम लोग रूटीन में देखते हैं, तो उनमें से काफ़ी लोगों को दिक्कत सिर्फ इसीलिए हो जाती है कि गलत दवाइयों के इस्तेमाल से उनको पता नहीं होता कि कौन सी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स कितने जाता है। तो कभी भी सीधे दवा की दुकान से आपको दवाई नहीं खरीदनी है, डॉक्टर को दिखा के लेनी है, क्योंकि दवाइयों में स्टेरॉइड्स होती हैं। उन स्टेरॉइड्स की वजह से आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः कभी भी किसी भी डॉक्टर को दिखाए बिना किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं करें।